हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी 100 अरब डॉलर क्लब में शामिल हो गए। इस क्लब में अमेजन के जेफ बेजोस और टेस्ला के एलोन मस्क पहले से ही है। मुकेश अंबानी इस क्लब में इसलिए पहुंचे क्योंकि फ्राइडे को उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर तेजी से ऊपर चढ़ गए। ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स के मुताबिक अब उनकी दौलत 100.6 अरब डॉलर की हो गई है। सिर्फ इसी साल मुकेश अंबानी की दौलत करीब 23.8 अरब डॉलर बढ़ी है। दुनिया में सिर्फ 11 लोग पहुंचे इस मुकाम पर। मुकेश अंबानी ने जिस 100 बिलियन डॉलर क्लब में एंट्री मारी है उसमें अब उन्हें मिलाकर कुल 11 लोग हैं। मुकेश अंबानी के अलावा इस लिस्ट में 220 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर है एलन मार्क्स, दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर है पर्नट आर्नल्ड, नंबर 4 पर है बिल गेट्स, 5 लेरी पेज, 6 मार्क जकरबर्ग, 7 सर्गे ब्रिन, 8 लेरी एलिसन, 9 स्टेप बल्मर, 10 वॉरेन बफलेट एंड 11 नंबर पर है मुकेश अंबानी जी। सो अपने पिता धीरूभाई अंबानी से बिजनेस की बागडोर 2005 में अपने साथ में लेने के बाद से ही मुकेश अंबानी बिजनेस को आगे बढ़ाने के काम करते रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री को वह तेजी से रिले टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स में भी दिग्गज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2016 में ही उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन सेवा रिलायंस जियो के नाम से शुरू की और आज के समय में जियो का भारत के बाजार पर दबदबा है। रिले सेक्टर में भी मुकेश अंबानी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म में तो एक से एक दिग्गज विदेशी कंपनियों तक निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी को करीब 15 दिग्गज कंपनियों से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिला है। इस कंपनी में मुकेश अंबानी ने 32.97% हिस्सेदारी इन कंपनियों को बेची है, जिसके बदले में भारी भरकम निवेश जुटाया है। सो हम तो यही प्रे करेंगे कि मुकेश अंबानी वर्ल्ड के नंबर 1 पर पहुँचे। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।